नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जितिन प्रसाद ने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जितिन प्रसाद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन कुछ वक्त से वे कांग्रेस पार्टी में परेशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई खुला विरोध नहीं किया था, लेकिन वो लगातार पार्टी से खुश ना रहने का संकेत दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन प्रसाद के पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाले जितिन प्रसाद को कांग्रेस में साल 2001 में युवा कांग्रेस में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में जितिन प्रसाद अपनी गृह सीट शाहजहांपुर से जीत कर लोकसभा पहुंचे। साल 2008 में जितिन प्रसाद भरोसा जताते हुए उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय राज्यपाल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद जितिन प्रसाद 2009 के चुनाव में यूपी की धौरहरा सीट से जीतकर लोकसभा भी पहुंचे। लेकिन इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। जितिन प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहले मैं बीजेपी की सदस्यता के लिए आभार जताता हूं और इसके लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं। बातचीत के लिए दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, जितिन प्रसाद की ज्वाइनिंग के बाद एक तरह से उथल पुथल का माहौल है और पिछले दो दिनों में राजस्थान में भी असमंजस का माहौल दिख रहा है, जहां पर सचिन पायलट ने भी अपने मुंह से ताला हटाया है और मुद्दों का निवारण ना होने पर समझौता समिति और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए श्वेता, ये बात सही है कि जितिन प्रसाद की ज्वाइनिंग, अगर हम जितिन प्रसाद की बात करें, जितिन प्रसाद का अगर पिछले 3 बार के चुनाव वो हारे हैं तो ये एक मेंटल लड़ाई है और मेंटल लड़ाई में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी। लेकिन अब आपने क्योंकि सवाल राजस्थान का किया है तो जाहिर तौर पर बहुत लंबे समय बाद यानी 8 महीने तक सचिन पायलट इंतजार करते रहे और अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने 3 बड़ी बातें कहना चाहिए। पहला ये कि जो कमेटी थी जो सॉर्ट आउट करने वाली थी 18 विधायकों की प्रॉब्लम्स को, वो अभी तक कमेटी ने कुछ नहीं करा। उन्होंने फिर सवाल उठाया सबसे महत्वपूर्ण कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई। सत्ता सरकार के ढाई साल निकल चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो एक सत्ता में भागीदारी थी वो नहीं दी गई। इस तरह के सवाल उठाए। अब मुद्दा यह है कि देखिए, ये बात साफ है, मैंने आलाकमान के सूत्रों से मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि ये बात साफ है कि अब आलाकमान को एक बार फिर ये समझ आ चुका है कि सचिन पायलट एक बार फिर प्रेशर बिल्डिंग पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। तो प्रेशर बिल्डिंग ये करना चाहते हैं, जाहिर तौर पे अभी वो बीजेपी में या कहीं और इस तरह का विकल्प नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स पर आए हैं। क्यों? क्योंकि जब वो डिफेंडेंट हो गए थे, जब वो नाराज या बागी विधायक के साथ चले गए थे मामले पर, और उनको जब प्रियंका गांधी और अहमद पटेल तमाम तरीके के लोगों से बातचीत हुई और वापस आए, तो वापसी पर उन्होंने कुछ बातें कही। उन कुछ बातों में बात ये थी कि उनके जो विधायक हैं या उनके जो 18 विधायकों में से कई लोगों को पीसीसी में जगह मिले, कई लोगों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से जगह मिले और कई लोगों को उनके कार्यकर्ताओं को मतलब इन सब जगह में जगह मिले, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पीसीसी और इसके अलावा उनके विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार। अब सवाल ये उठता है कि ये 18 विधायक वर्सेज 102 विधायक, 18 विधायकों में से कई विधायकों को और कई लोगों को पीसीसी में जगह दी गई और जिस पर जो कथित रूप से माना जाता है कि गहलोत के एंटी हैं या गहलोत ने उस पीसीसी के अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं कहा। अब ये प्रेशर बिल्डिंग ये है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो, जिससे वो ये देख पाए कि क्या वो कमेटी में या प्रियंका गांधी ने जो उनको वादा किया था कि हाँ आपके लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, वो दिया जाएगा या नहीं, दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। वो अपनी जगह एक बार फिर आंकना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं कि अभी उनकी स्थिति पार्टी में क्या है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो इस चीज का है कि जल्द से जल्द ये मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, जिससे उनके लोगों को जो भागीदारी मिलनी थी वो मिल रही है या नहीं। लेकिन आलाकमान ये साफ कर चुका है, पहला इतने लंबे समय से जो खिंचता आ रहा है, क्योंकि खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद अब सचिन पायलट का जो ये राजस्थान में जहां पे सत्ता है वहां पे इतने लंबे समय से जो रिफ्ट चल रहा है उसको एक तो आलाकमान सही करना चाहती है, एकदम सलवटे हटाना चाहती है।
दूसरा ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है इसमें ये तय साफ आला कमान का साफ कह देना है कि ना तो कोई वादा खिलाफी की गई थी पहले जब मुख्यमंत्री का चयन था तब भी ऐसा तो था नहीं कि 100 के पार विधायक आए हों जीत कर, 100 से नीचे थे विधायक जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और 100 के पार ले जाने वाले जो थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कैसे 13 निर्दलीय विधायकों को साथ लाने वाले अशोक गहलोत थे, 6 बसपा के विधायकों को साथ लाने वाले अशोक गहलोत थे। तो ऐसे में जिनके पास ज्यादा मात्रा में विधायक होते हैं और एक रूल भी है कि जिसके पास विधायक है उसी की सरकार होती है, उसी वो ही मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे में आलाकमान अभी साफ अपने रूप से सोच चुका है, कर चुका है कि ना तो कोई वादा खिलाफी हुई। दूसरा, इन 18 विधायकों की कॉस्ट पर हम उन 100 विधायकों को नाराज नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि 18 विधायक में से 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन जो उम्मीद है पायलट कैंप को या पायलट को कि 6 विधायक 7 विधायकों को जगह दी जाए वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर पायलट के डिसेंडेंट 8 विधायक जिनको बागी कहा जाता है, बागी 18 विधायक में से 7 से 8 विधायकों को अगर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी तो वो जो 13 निर्दलीय विधायक थे जो उस बाड़ेबंदी के समय और अभी तक 2.5 साल की सरकार में सरकार के साथ खड़े रहे, फिर उनके बात को उनको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? या जो 6 बसपा के विधायक है जिनकी वजह से कथित तौर पे कहा जाता है कि सरकार को बहुत बड़ा संबल मिला, सरकार को सपोर्ट मिला और सरकार डिस्टर्ब नहीं हुई, सरकार फिर खड़ी रही, ये 6 बसपा विधायक जो बसपा से आए हुए विधायक है कांग्रेस में, तो फिर उन 6 विधायकों का क्या होगा? तो आलाकमान ये साफ कर चुका है कि भागीदारी दी जाएगी लेकिन इस तरीके से प्रेशर बिल्डिंग करा के या 18 में से 6 विधायकों की रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाकी के 100 विधायक और बाकी के जो निर्दलीय खास तौर पे 13 निर्दलीय और 6 बसपा से आए विधायकों को भी फिर उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और श्वेता सबसे बड़ी बात यह है कि जब बागी विधायक हो गए और आते ही उन 18 लोगों का ये मानना था कि हमें जल्द से जल्द रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए या जल्द से जल्द हमको सत्ता में वापसी की जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको बागी होने का रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, इसीलिए शायद इतना लंबे समय लिया गया है कि थोड़ा कूलिंग ऑफ टाइम दिया गया है और अब जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी मंत्रिमंडल विस्तार की, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की, तो संभवतः सरकार न गिराना एकमात्र उद्देश्य है आलाकमान का। तो हो सकता है कि पायलट के कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा और ये 100% किया जाएगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट की 18 विधायक में से ज्यादा परसेंटेज लोगों को अकोमोडेट किया जाए जिससे कि वो 102 विधायकों का दिल टूटे और फिर वो कोई ऐसा अनहोन गलत कदम ना उठाए। बिल्कुल अदिति, यानी सरकार गिरने के कॉस्ट पे नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन अदिति राजस्थान में हमेशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी का सवाल उठता है, उसमें आखिर देरी क्यों हो रही है? देखिए सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा। जब जब भी सरकार को बैकफुट पे लाना होता है, और देखिए जब से सरकार आई है एक ही बात हम सुन रहे हैं, जब सरकार आने वाली थी तब मैं आपको याद दिला दूं कि अविनाश पांडे का प्रभारी थे और उनका एक बहुत साफ विजन था, वो चाहते थे कि जब अगर उनकी सरकार आएगी तो वो कार्यकर्ता जो दिन रात फील्ड में होते हैं और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मेहनत करते हैं या जिन्होंने अपना खून पसीना दिया है पार्टी को, उनको सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। और इसका एक प्लान सबसे पहले जब एक साल पहले चुनाव होने के डिस्कस भी हुआ था राहुल गांधी से, और राहुल गांधी का ये प्रपोजल था कि ये पूरी प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, जमीन पे कैसे लाया जाए। तब ये पूरी प्लानिंग हुई कि करीबन 1-1.5 लाख लोगों को, और यहाँ तक कि कई बार 2.25 लाख तक भी आंकड़े थे कि 1-1.5 लाख लोगों को सत्ता में भागीदारी दी जाएगी, जो जिलों में अलग अलग स्तर पे जिनकी नियुक्तियां की जाएंगी और वो सरकार के में भागीदारी होगी, सरकार का चेहरा होंगे जिससे कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिलेगा और उसी रक्त से संगठन और सत्ता काम करेगा। अब हुआ ये कि पिछले 2.5 साल में सवाल तो बहुत बार उठे और कई बार पायलट कैंप में और कई बार बहुत लोगों ने और विपक्ष में भी और खास तौर पे खुद की पार्टी के लोगों ने ये सवाल उठाया, और जिससे 2 दिन पहले यानी 7 जून को सचिन पायलट ने भी एक अखबार को इंटरव्यू में यही कहा कि वर्कर्स 2.5 साल निकल चुके हैं, वर्कर्स को कोई भागीदारी नहीं मिली। तो आलाकमान के जुड़े एक सूत्र का ये मानना है कि दिल्ली से एक लिस्ट आनी थी शुरुआत में, जब सत्ता में आ गई थी पार्टी तभी से आके दिल्ली से एक लिस्ट आएगी, करीबन 1 लाख कुछ नाम आएंगे, करीबन काफी हजारों में लाख में नाम आएंगे और वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी जाएगी और उनको ये कहा जाएगा
कि आला कमान द्वारा ये नाम तय किए गए हैं और उसमें संगठन द्वारा जो प्रभारी हैं, जो सचिव थे, उन सबकी बैठकों के द्वारा ये नाम तय किए गए हैं, इनको ये जिम्मेदारी देनी है और फिर मुख्यमंत्री को उसको एग्जीक्यूट करना था जिस तरीके से भी जो वो करना चाहे। लेकिन आज 2.5 साल हो गए पहले और अब किसी भी प्रभारी या किसी भी सचिव ने वो लिस्ट नहीं भेजी है आज तक 2.5 साल में। तो आला कमान के जुड़े सूत्रों का यही मानना है कि हम बैठकर कुर्सी पे बैठकर जब मन आए ये सवाल जरूर उठा सकते हैं। तो श्वेता सवाल ये है कि देरी किसकी तरफ से है? सवाल लोग पूछ रहे हैं, चाहते सब है, लेकिन क्या उस नियत से कि वो वाकई करना चाहते हैं? क्या अजय माकन की तरफ से या केसी वेणुगोपाल की तरफ से या आला कमान की तरफ से कोई लिस्ट अभी तक पहुंची नहीं है? देरी है बिल्कुल अदिति, और अहम बातें आपने बताई अदिति, और ये बिल्कुल देखना होगा कि नेक्स्ट मूव कांग्रेस का होता क्या है इसे लेकर, जिससे से क्लियर तो कर दिया गया कि कोई किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं हो सके, कि प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सके। बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए।